जो पुराने जिला अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उनके आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण का काम भी आने वाले समय में हम तेज करने वाले हैं। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि झारखंड में मेडिकल पढ़ाई की सीटें 5 वर्ष में दोगुनी हो चुकी है। इतना ही नहीं, याद रखिए, झारखंड को अपना पहला एम्स भी भाजपा सरकार ने दिया है। इस पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी। साथियों, इस प्रकार के काम तभी होते हैं जब केंद्र और राज्य में एक ही लक्ष्य और एक ही मिशन पर चलने वाली सरकार हो, और इसलिए विकास के इस डबल इंजन को हमें और मजबूत बनाना है। 7 और 12 दिसंबर को हमें कमल निशान पर अपना वोट डालना है। याद रखिए, ये सिर्फ व्यक्तियों के बीच चुनाव नहीं है, किसे विधायक बनाना है, किसे मंत्री या मुख्यमंत्री बनाना है, ये सिर्फ इसका चुनाव नहीं है, ये 19 साल की उम्र पहुंचा हुआ झारखंड घर में भी 19 का बड़ा महत्व होता है बेटे बेटी के जीवन में, वैसे ही झारखंड 19 साल का हुआ है। 19 साल का झारखंड एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ा है, आगे का पूरा भविष्य इसी 5 साल में बनने वाला है। 19 से 25 साल की उम्र बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और इसलिए इस 19 साल के झारखंड को 25 साल तक पहुंचते पहुंचते कितना मजबूत बनाना है, कितना विकसित बनाना है, उसका फैसला ये चुनाव में कमल के निशान पर बटन दबा करके आपको करना है। वहीं रघुवर दास ने भी सभा को संबोधित करते हुए अपने 5 साल के कार्यकाल को अच्छा बताया और कहा कि 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने घर घर तक विकास पहुंचाया है। वहीं जी ने झारखंड का निर्माण किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड को सजारने और संवारने का काम हो रहा है। इसलिए मैं आप सभी बंधुओं से अनुरोध करूंगा, कोल्हान के खासकर हमारे आदिवासी भाई समाज के लिए हम 5 वर्ष में आदिवासी की संस्कृति समृद्ध हो, इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आज संथाल भाषा में रेलवे स्टेशन में संथाल भाषा में अनाउंसमेंट हो रहे हैं। हमारा हो समाज के लोबो बोरो बोधरा का एक बड़ा स्टेचू चाय भाषा में स्थापित किया जाएगा, और इस तरह सरना मसना स्तन को हमारी समाज हमारी सरकार आदिवासी संस्कृति को समृद्ध करने के लिए घेराबंदी और सौंदीकरण करने का काम कर रहे हैं। ये हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इसलिए मैं आप सबों से कोल्हान के सभी जनता से अपील करता हूं कि हमारा कोल्हान का 14 सीट विकास को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे।